पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही है। इसी को लेकर प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा से खास बातचीत की हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा जी मौजूद हैं जांगड़ा साहब अब पंजाब कांग्रेस के सांसद प्राइवेट बिल ला रहे हैं और वो कह रहे हैं दो से ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं जिनका व्यवसाय खेती है उन्हें प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहिए इस कानून को रिपील करने के लिए देखिए हमारे पिताजी किसान थे हम आज भी खेती करते हैं हमारे पास ट्रैक्टर भी है ज़मीन भी है खुद की ज़मीन खुद बोते हैं लेकिन मैं तो नहीं मानता कि ये जो बिल है ये किसान विरोधी है प्रगतिशील किसान कोई भी नहीं मानता कि ये किसानों का विरोधी है बिल कहीं किसी कोई भी बिल का एक भी क्लाज एक लाइन भी कोई ऐसी नहीं जो किसान के खिलाफ हो किसान के हित में ना हो तो जरूरी थोड़ा है कि सबके सब जितने किसान जिन्होंने लिखवाया है या हैं वो कृषक अब यहाँ जो लोग बैठे हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व थोड़ा करते हैं अब कुंडली बॉर्डर पर है और या सिंगू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर है। अगर हमारे कुछ किसान भाई बैठे हैं गुमराह होके तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं वो देश तो बहुत बड़ा है और ये कहना कांग्रेस के सांसदों का कि वो सभी सांसद इसका बिल का विरोध करें। प्राइवेट हाँ प्राइवेट मेंबर बिल लें तो ये तो कांग्रेस की एक असंवैधानिक सी बात है और अप्रीप्रिया एन अन अप्रोप्रिएट जिसको बोल कह सकते हैं अंग्रेजी में वो बात है जिसका कोई अर्थ नहीं है कोई आदमी जब कानून का सही तरह से समर्थन करता हो उसको कानून को सही तरह से समझता हो चाहे वो किसी भी देश का हो किसी भी पार्टी किसी भी प्रदेश का हो किसी भी पार्टी का हो वो कैसे कह देगा कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लेंगे वो ना उसका समर्थन करेगा उन्होंने तो सर मूव करने शुरू कर दिए पंजाब के सांसदों ने और वो कह रहे हैं हम पूरे देश के सांसदों से कहेंगे देखिए ये लोकतंत्र है उनको कहने का अधिकार है अब जिसकी समझ में आ चुका है कि ये किसान के हित में है ये बिल वो उनका समर्थन नहीं करेगा सीधी सी बात है ये तो वो अपील कर सकते हैं उनका अधिकार है अपील का भी अधिकार है आंदोलन का भी अधिकार है लोकतंत्र है इसमें अपनी बात कहने का मीडिया में भी अधिकार है जनसभा में भी अधिकार है लेकिन जो कुछ लाल किले पर हुआ है और जो तांडव मचाया है पुलिस के 500 लोगों को चोटें लगी हैं वो अधिकार किसी को नहीं है और जहाँ तक प्राइवेट बिल लाने की बात है कांग्रेस अपना करती रहे जिसकी समझ में आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी देश के हित में हैं और जो भी कानून लेंगे वो देश के हित में होगा वो क्यों करेगा उसका समर्थन वो करेगा ही नहीं तो आखिरी सवाल प्रधानमंत्री ने संसद के जरिए बातचीत की एक बार फिर से एक तरह से कह रास्ता खोला है क्या आपको लग रहा है आप किसानों को बातचीत के लिए आना चाहिए किसानों को प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसी दिन आ जाना चाहिए था प्रधानमंत्री देश का सर्वे सर्वा होता है और वो एक किस्म से पूरा देश उसकी संतानों के बराबर होता है सबका ख्याल रखना उसकी जिम्मेवारी होती है और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जैसा जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया है कहीं भी भारत देश को नीचा नहीं देखने दिया है ऐसे प्रधानमंत्री की अपील के ऊपर मैं तो कहता हूं अब तक किसानों को घर पर चला जाना चाहिए था आंदोलन ख़त्म कर देना चाहिए था और जहां तक बातचीत का रास्ता है तो अविलम्ब उनको बात करनी चाहिए थी और अब भी कर लेनी चाहिए ये देश के हित में यही बात है बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जो कांग्रेस की ओर से प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब संसद के माध्यम से अपील की है तो किसानों को तुरंत उस अपील पर बात भी करनी चाहिए और आंदोलन खत्म करके वापस भी जाना चाहिए कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल एम प्राइम दिल्ली